الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين के लाखों करोड़ों इनाम और एहसान अल्लाह पाक ने रमजान मुबारक के प्रेम के लम्हार और रूहानी घड़ियां हमें अता फरमाई। और अल्लाह पाक ने रोजे तरावी सदकात खैर खैरात तहज्जुद दुआएं और किस्मा किस्म की इबादतों की अल्लाह पाक ने हमें तौफीक अता फरमाई। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब कोई इबादत मुकम्मल हो रही हो, किसी भी इबादत की तौफीक को तकमील हो, ऐसे मौके पर हमें दो काम करना चाहिए। पहला काम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे नमाज की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह ने मुझे रोज़ों की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह ने मुझे कुरान मजीद की तिलावत की तौफीक अता फरमाई। किसी भी इबादत के मुकम्मल होने पर सबसे पहले नंबर पर शुक्रिया अदा करना चाहिए, यानी मायूसी नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने तौफीक दी। और दूसरा फरीदा ऐसे मौके पर यह हुआ करता है कि हम इस्तग़फ़ार करें कि अल्लाह की शायान शान हम तरावीह नहीं पढ़ सके, रोजे जैसे रखने चाहिए थे वैसे नहीं रख पाए, इबादत का हम हक अदा नहीं कर पाए, इसलिए हमें इस्तग़फ़ार करना चाहिए। वो जब दो फरीदे इस वक्त हमारे ऊपर आयद होते हैं, ये ईद की दो रकात नमाज जो पढ़ी जाती है ये उन्हीं इबादतों का शुक्राना है कि अल्लाह आपने हमें किस्मा किस्म की इबादतों की तौफीक दी, कैसा रूहानी माहौल था, कैसे नूरानी रातें, कैसे रूहानी दिन, अल्हम्दुलिल्लाह सर के ऊपर टोपियां, हाथों में तस्बीह कुरान मजीद, घरों में भी अल्हम्दुलिल्लाह टीवी के ऊपर हमने कफन डाल लिया था, अल्लाह करे कि वो कफन अब दफन की सूरत में आ गया है। उसी के अलावा घरों के अंदर तस्वीर, मुसल्ला, मंसूरा, किताबें, कैसा नूरानी और रूहानी माहौल था, दुनिया की कोई कौम इसकी मिसाल नहीं पेश कर सकती। फकत रमजानुल मुबारक में जितना कुरान मजीद पढ़ा जाता है, फकत एक रमजान में जितना कुरान मजीद पढ़ा जाता है, दुनिया के दूसरे मजहबी किताबें अपनी पूरी जिंदगी और लाइफ टाइम में उतनी नहीं पढ़ी जाती। तौरात, इंजील या इनकी वे दुनिया की जो जो मजहबी किताबें हो सकती है लाइफ टाइम में उतनी नहीं पढ़ी जाती जितना कुरान मजीद फकत एक रमजान में पढ़ा जाता है। फकत एक रमजान में करोड़ों अरबों रुपये सरकार खैरात और उसकी चैरिटी होती है, दुनिया की कोई कौम उसकी मिसाल नहीं पेश कर सकती। अल्लाह पाक ने वो मजहब हमें अता फरमाया है। तो मेरे भाई लोग, इस वक्त हमारे ऊपर दो फरीदे आयद होते, अल्लाह का शुक्र अदा करें। रमजान से पहले हम सब के ऊपर एक फिक्र सवार था,
कि गर्मी के रोजे आ रहे हैं, लंबे रोजे हैं, कैसे होगा, क्योंकि रमजान गुजरेगा, एक पहाड़ जैसा बोझ महसूस कर रहे थे। लेकिन मेरे भाइयों, हमने देखा शुरू करने की ताकीर थी, रमजान शुरू हुआ और देखते ही देखते इतनी तेजी के साथ रमजान खत्म हो गया। ये अल्लाह की मदद शामिल हाल होने की खुली दलील है। अल्लाह ने आसान कर दिया, ये अल्लाह की ताईन और अल्लाह की तस्बील है। मेरे भाइयों, पूरी शरीयत का ये मामला है। शरीयत का कोई भी हुक्म उठा कर ले लो, मुश्किल से मुश्किल, इम्पॉसिबल आपको मालूम होता हो कि शरीयत का फला हुक्म तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे खानदान में पर्दा बहुत मुश्किल है, मेरे लिए मेरे घराने में दाढ़ी रखना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए मीरास अदा करना बहुत मुश्किल, कोई भी आप अम्र ले लो, लेकिन आप कदम उठाओ, इब्तिदा करो, शुरुआत करो, फिर देखिए अल्लाह की मदद कैसे शामिल है काल होगी। एक मरतबा एंटर हो जाइए, कदम उठा लीजिए, फिर अल्लाह की मदद शामिल हाल हुआ करती है। मेरे भाइयों, रमजान मुबारक अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया था। रमजान मुबारक का पैगाम क्या है, रमजान मुबारक का मकसद क्या है, रमजान मुबारक क्यों आया था? रमजान मुबारक हमें तकवा और मगफिरत का तोहफा देने के लिए आया था, तकवे का तोहफा देने के लिए आया था। तकवा क्या चीज है? तकवा अल्लाह को हाजिर नाजिर समझना, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, मैं 24 घंटे अल्लाह के कैमरे में हूं, अल्लाह मुझे हर वक्त देख रहे हैं, ये कैफियत का पैदा हो जाना, इसी का नाम तकवा है। तो रमजान का मुबारक महीना तकवे का तोहफा देने के लिए आया है। इबादतें बहुत सारी है, लेकिन दुनिया भर की इबादतों में अल्लाह की हुजूरी जितनी रोजे में हुआ करती है उतनी दूसरी इबादतों में नहीं है। नमाज में ऐसा होता है, हम 5 मिनट की 10 मिनट की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कभी 1 मिनट के लिए भी हुजूरी नहीं, जान नहीं आए, अल्लाह अकबर कॉल मांगा और बाहर चले गए, पूरी पूरी नमाज गायब, ऐसा होता है। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है कि अदना किस्म का मोमिन भी हर वक्त अल्लाह को सामने रखता है। कोई मोमिन ईमान वाला गुसल खाने में बाथरूम में भी पानी नहीं पीता, मुझको मालूम है कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं। तो अल्लाह की हुजूरी, अल्लाह हाजिर नाजिर है, मुझे अल्लाह को जवाब देना है, ये तसव्वुर, ये कैफियत जितनी रोजों में हुआ करती है उतनी किसी दूसरी इबादत में नहीं। यानी अल्लाह का खौफ, खौफ खुदा, अल्लाह की हुजूरी, अल्लाह के सामने मुझे पेश होना है, हिसाब किताब देना है, ये तसव्वुर पैदा करना, उसी का नाम तकवा है। तो तकवा पैदा कराने के लिए अल्लाह पाक ने हमें रमजान का मुबारक महीना अता फरमाया था। अमल तो 30 दिन का है, काम 30 दिन का है, लेकिन मकसद पूरा साल है। फकत 30 दिन रोजे रखकर फिर छुट्टी नहीं। मेरे भाइयों, लाल लगुन तत्तकून, फिर आगे फरमाया अय्यामुन मादूदात, यहाँ अहले इल्म मौजूद है, अय्यामुन मादूदात, गिनती के दिन, गिनती के दिन तकवे के लिए नहीं, गिनती के दिन यानी रोजा रखना है गिनती के दिनों में, तकवा तो हमेशा के लिए अख्तियार करना है। तकवे की कैफियत पूरे साल भर के लिए मांगी जा रही है। रोजे रखकर 30 दिन की ट्रेनिंग करवाकर, कोर्स करवाकर, फिर पूरे साल भर का सामान फराहम किया जा रहा है कि फिर रमजान के बाहर भी हम अल्लाह को हाजिर नाजिर समझे। गुनाह का मौका आए तो ऐसे मौके पर, जैसे रमजान में कोई पानी पेश करता है तो हम कहते हैं कि मेरा रोजा है, तो रमजान के बाद गुनाह का मौका आने पर हम ये कहें कि मैं मुसलमान हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह की हुजूरी, अल्लाह का खौफ, दुनिया में गुनाहों की बंदिश के लिए, क्राइम की रोकथाम के लिए कोई भी कारगर और मुमकिन और मौसर नहीं हो सकती। पुलिस हो, कोर्ट कचहरियाँ हो, कानून हो, कैमरे हो, जो कुछ भी दुनिया टेक्नोलॉजी ले आए, लेकिन गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, हर रोज नया गुनाह ईजाद में आ रहा है। तो मालूम हुआ कि दुनिया की टेक्नोलॉजी, दुनिया की पुलिस, कोर्ट कचहरियाँ गुनाहों से रोकने के लिए कामयाब नहीं है।
अगर कोई चीज गुनाह से रोक सकती है तो अल्लाह का खौफ है, अकीदे आखिरत है, वो कयामत का इश्तेहार है। इसीलिए कुरान मजीद की फकत 500 आयतें वो है जिसमें हलाल हराम का तज़किरा है, बाकी तकरीबन 6000 से ज्यादा आयतें कुरान मजीद में ईमानियात की है, खौफ खुदा की है, तक़वा की है और कयामत की है, ईमानियात की है, तौहीद की है, रिसालत की है, ये आयतें कुरान मजीद में ज्यादा है। मेरे भाइयों, ये तक़वा साल भर के लिए है। हमारे दो किस्म के रोजे हैं, एक रोजा तो हमने रमजान का रखा और एक रोजा हमारा इस्लाम का रोजा है। रमजान का रोजा सुबह से लेकर शाम तक का हुआ करता है, एक चांद से लेकर दूसरे चांद तक का हुआ करता है। रमजान का रोजा ये वक्ती है, यानी उसका टाइम लिमिट है, 14 घंटे 16 घंटे का रोजा होता है, बैरून में कहीं 18 घंटे कहीं 20 घंटे का रोजा हुआ करता है, तो सुबह से लेकर शाम तक का रोजा। रमजान का रोजा खाने पीने से फासिल हो जाता है। रमजान के रोजे की इफ्तारी हम जमजम के जरिए, पानी के जरिए, खजूर के जरिए, पकौड़े और समोसे के जरिए करते हैं और रमजान की ईद एक दिन की हुआ करती है, फिर बाद में वो बासी हो जाती है। लेकिन हमारा एक दूसरा इस्लाम का रोजा है। इस्लाम का रोजा बालिग होने से लेकर मौत तक का है, जिंदगी के सूरज के गुरूब होने तक का वो रोजा है, या इस्लाम कबूल करने से लेकर मौत तक का रोजा वो इस्लाम का रोजा है। इस्लाम का रोजा, उसमें ईद जो आएगी वो एक दिन की ईद नहीं होगी, वो हमेशा मेज की ईद होगी। और ये रोजा जो हम इफ्तार करते हैं जमजम के जरिए, पानी के जरिए, खजूर के जरिए, और इस्लाम के रोजों की जो इफ्तारी होगी वो जामे तहूर के जरिए होगी और काबे कौसर के जरिए होगी, दीदारे खुदावन्नी के जरिए होगी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमईन्ना इर्जिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया फ़ादख़ुली फ़ी इबादी वादख़ुली जन्नती, आओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, आओ आपने रोजे रखे थे, आपके लिए इफ्तार तैयार है, इफ्तार कर लो, अल्लाह की जानिब से दावत है इफ्तार होगी। मेरे भाइयों, यहाँ की इफ्तारी ये ज़मज़म और खजूर वगैरह के जरिए होती है और वहाँ की इफ्तारी इसके जरिए होगी, अल्लाह के दीदार के जरिए होगी, जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से जामे कौसर के जरिए होगी। और यहाँ की ईद एक दिन की फिर बाद में बासी हो जाती है, वासी हो जाती है, और इस्लाम की जो ईद होगी ये अबदुल आबाद की होगी, हमेशा हमेश की होगी, फिर तकलीफ का नामो निशान मिले। तो हमने दो किस्म के रोजे रखे हैं, हमारे दो किस्म के रोजे हैं। रमजान खत्म हो गया, हम ये न समझे कि अब रमजान खत्म, रोजे खत्म, नहीं, हमारी आईडी में लिखा है कि हम मुसलमान हैं। ये मुसलमान यानी हमने इस्लाम का रोजा रखा है, वो इस्लाम का रोजा ये अबदुल आहाद का है, 365 दिन का है, 24 घंटे का है, एक एक लम्हे का है, हर वक्त हम अल्लाह के सामने है, हर वक्त कैमरे की आंखों के अंदर है, एक एक गुनाह को फरिश्ता वहां पर लिख रहा है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम के रोजे को हमें अपने सामने रखना है। रमजान के रोजे रखने के बाद तक़वे के आसार हमारी जिंदगी में नजर आने चाहिए, बिल्कुल साफ तौर पर, जैसे कोई हज करके आता है चेहरे मुहरे से, उसकी जिंदगी से पता चलता है कि अभी अभी हज करके आया है। कोई चिल्ला लगा कर आता है अल्लाह के रास्ते में, वक्त लगा कर आता है, तो उसका चेहरा मुखरा, नेकी, परहेजगारी, तकवा, तहारत, नमाजों की पाबंदी, उसकी चाल, रफ्तार, सब चीज़ों में फर्क आ जाता है। तो मेरे भाइयों, रमजान का भी तकाजा ये है कि रमजान के बाद हमारी आंखों में पाकीज़गी आनी चाहिए, हमारी चाल में आजीगी आनी चाहिए, हमारी जबान में सच्चाई आनी चाहिए। दुनिया की दूसरी कौमों के सामने हमें ये पेश करना पड़ेगा कि ये मुसलमान कौम लाखों लाखों को लात लगा सकता है, लेकिन ये बेवसूली नहीं कर सकता, ये गबन नहीं कर सकता, ये धोखा नहीं दे सकता, ये जुल्म नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, ये दुनिया के सामने हमें पेश करना होगा। रमजान के बाद ये तकवे के आसार और तकवे के असरार और तकवे का रिजल्ट हमारे सामने आना चाहिए। एक एक कदम हम फूक फूक कर रख रहे हो, ये नहीं कि 40-30 दिन खत्म हो गए, रमजान आया था चला गया, खत्म मामला,
नहीं मेरे भाइयों, इस्लाम का रोजा हमने रखा है ये अबदुल आबाद का है, ये हमेशा हमेशा है। मौत की शाम तक, मौत आने तक, हमारे मौत का सूरज गुरूब होने तक का हमने रोजा रखा है। ये रोजे की एहतमाम, उसकी पाबंदी हमें करनी होगी। रमजान का रोजा तो खाने पीने से टूट जाता है, इस्लाम का रोजा कुफ्र शिर्क से टूटता है। रमजान के रोजे के ऊपर खाने पीने का असर पड़ता है, लेकिन इस्लाम के रोजे के ऊपर जुल्म का असर पड़ता है। जुल्म करने से उसमें कमजोरी आ जाती है, हमारे ईमान का नूर खत्म हो जाता है। आंखों के जरिए हम नूर भी दाखिल कर सकते हैं और आंखों के जरिए जुल्मत भी दाखिल कर सकते हैं, हमारे हाथ में है मामला। तो मेरे भाइयों, इस्लाम के रोजों का ख्याल रखना है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान 24 घंटे के लिए ऑन ड्यूटी। एक मरतबा एक मौलाना फ्लाइट में सफर कर रहे थे, फ्लाइट में उनके सामने शराब का बोतल पेश किया गया। एयरहोस्ट ने कहा कि आप पी लीजिए। मौलाना ने कहा कि मैं इनको कैसे समझाऊं कि ये हराम है। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि आधा पी लीजिए, बोतल पी लीजिए। मौलाना ने सोचा अगर इनको कैसे समझाया जाए। मौलाना ने कहा कि आप पायलट को शराब की बोतल पेश कीजिए। तो ये एयरहोस्ट कहने लगा कि पायलट ऑन ड्यूटी है, वो नहीं पी सकता। बस फौरन मौलाना को जवाब मिल गया कि मुसलमान ऑलवेज ऑन ड्यूटी है, वो कभी भी नहीं पी सकता। मेरे भाइयों, ये गुनाह, ये एक एक हमारा एक एक गुनाह कैमरे की आंख के अंदर है, रिकॉर्डिंग हो रही है। जमीन भी रिकॉर्डिंग करती है, आसमान भी रिकॉर्डिंग करता है, ये दीवार भी रिकॉर्डिंग करती है, छत भी रिकॉर्डिंग कर रही है, रिकॉर्ड हो रहा है पूरा निजाम। लिहाजा हमें अपने आप को गुनाहों से बचाना है। मेरे भाइयों, दुनिया के कैमरे, दुनिया की टेक्नोलॉजी ये गुनाहों से बचाती है। शहरों में जब लाइट होती है, पावर होता है, उस वक्त गुनाहों से बचाएगी, लेकिन जंगल में, रात की तारीकी में, बंद कमरों में, वहां गुनाह से कौन बचाएगा। वहां गुनाहों से अगर कोई बचाने वाली चीज हो सकती है तो फकत और फकत खौफ है खुदा। आखिरत का ख्याल है, कयामत का इस्तेहकार है, यही एक चीज गुनाहों से बचा सकती है। इसके अलावा दुनिया में कोई चीज गुनाहों से नहीं बचा सकती। दुनिया की दूसरी कौमों का क्या हाल है, अजीब गरीब। मैं तरकेसर में एक मरतबा एक दुकान के ऊपर था, एक हिंदू दुकानदार के वहां आया, यानी खरीदार भी हिंदू था, दुकानदार भी हिंदू था। खरीदार ने कहा, कस्टमर ने कहा कि मुझे फुला अगरबत्ती दे दीजिए। तो दुकानदार ने कहा कि मेरे पास वो अगरबत्ती नहीं है, उससे आला क्वालिटी की अगरबत्ती है, वो मैं आपको देता हूँ। तो कस्टमर ने खरीदार ने कहा कि नहीं, मुझे तो वही अगरबत्ती चाहिए। तो दुकानदार ने पूछा कि क्यों, ये अच्छी वाली है, उससे आला क्वालिटी है। तो खरीदार ने कहा कि मुझे मंदिर में चढ़ानी है, भगवान को ये अगरबत्ती पसंद है, इसलिए मुझे ये दे दीजिए। जवाब सुनिए दुकानदार ने क्या जवाब दिया। हिंदू दुकानदार हिंदू कस्टमर को जवाब देता है, भगवान को क्या पता चलेगा कि कौन सी अगरबत्ती है। मेरे भाइयों, अंदाजा लगा लीजिए, जिस कौम का ये अकीदा हो, ये अकीदा गुनाहों से कैसे बचाएगा। हमारा अकीदा तो ये है कि सातवीं जमीन में काले पत्थर के ऊपर रात की तारीकी में अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो अल्लाह के फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक गुनाह वहां पर रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे भाइयों, 100 तहज्जुद एक तरफ, एक गुनाह से बचाना ये एक तरफ, एक गुनाह से अपने आप को बचाना ये 100 तहज्जुद से अफजल। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से पूछा गया, एक आदमी बहुत इबादत करता है लेकिन गुनाह भी बहुत करता है, दूसरा आदमी इबादत कम करता है गुनाह भी कम करता है, तो दोनों में अफजल कौन। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने जवाब दिया, ला अअदिरु बिस्सलामति शैअन, मैं गुनाहों से हिफाजत के बराबर किसी चीज को नहीं समझता। यानी गुनाह से हिफाजत ये सबसे आला चीज है। इसीलिए उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया करते थे कि अगर मैं फकत फर्ज नमाज पढ़ूं, नफिल नमाज बिल्कुल न पढ़ूं, फकत फर्ज ज़कात अदा करूं, नफिल सदका बिल्कुल न करूं, फकत फर्ज हज करूं, नफिल हज बिल्कुल न करूं, फकत फर्ज रोजे रखूं, नफिल रोजा बिल्कुल न रखूं, और ये फरमाते थे कि फिर मैं नफिल इबादतों वाली ताकत को गुनाहों से बचने में लगाऊं, बचाने में लगाऊं, ये मुझे ज्यादा पसंद है।
यानी नफिल इबादतों के मुकाबले में गुनाहों से अपने आप को बचाना, मेरे भाइयों रमजान का मकसद यही है। रमजान तक्वा चाहता है, इज्तिनाब मासी गुनाहों से अपने आप को बचाना, ये रमजान का मकसद है। तो ये रमजान का असर साल भर हमारे सामने आना चाहिए। एक अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मैं एक डाउटफुल दिरहम, यानी हलाल है या हराम है मुझे मालूम नहीं, मेरे पास एक रुपया है मेरी जेब में और मुझे मालूम नहीं कि हलाल है या हराम है, मुझे उसमें शक हो गया, डाउटफुल दिरहम, उससे मैं अपने आप को बचाऊं, ये मुझे 1,00,000 दिरहम अल्लाह के रास्ते में सदका करने से ज्यादा पसंद। फिर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाने लगे, आगे चलकर ये फरमाने लगे कि मैं अपने आप को 1 डाउटफुल दिरहम से बचाऊं, ये मुझे 2,00,000 दिरहम अल्लाह के रास्ते में सदका करने से ज्यादा पसंद है। करते कराते उन्होंने 6,00,000 तक गिनवाया कि मैं 1 डाउटफुल दिरहम से अपने आप को बचाऊं, ये मुझे 6,00,000 दिरहम अल्लाह के रास्ते में खैरात करने से ज्यादा पसंद है। मेरे भाइयों, गुनाहों को मामूली न समझे, छोटा हो या बड़ा हो, शैतान पहले कदम पर बड़ा गुनाह नहीं करवाता, पहले इब्तिदा करवाता है छोटे गुनाह से, फिर बाद में बड़ा गुनाह, फिर बड़ा गुनाह 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 को खींचता है, जैसे नेकी नेकी को खींचती है, गुनाह गुनाह को खींचता है, पैसा पैसे को खींचता है। तो आदमी एक गुनाह करता है तो दिल पर धब्बा पड़ता है, फिर बाद में दूसरा गुनाह, तीसरा गुनाह, इस तरह होते हुआते मेरे भाइयों यहाँ तक मामला पहुंच जाता है गुनाह को। आज दुनिया में मामला ये हो रहा है, हर रोज नया गुनाह वजूद में आ रहा है और गुनाह को गुनाह समझने वाले कम हो रहे हैं। गुनाह को गुनाह समझना तो दूर की बात, गुनाह को फख्र समझा जा रहा है, गुनाह को गुनाह समझा जा रहा है। मेरे भाइयों, सही हदीस है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन। एक जमाना ऐसा आएगा, हमारे हजरत असातिज़ा उस वक्त ये शराह फरमाते थे, तर्जमा करते थे, एक जमाना ऐसा आएगा जबकि आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर होगा। असातिज़ा उस वक्त ये बयान फरमाते थे। लेकिन मेरे भाइयों, ये वक्त अब हम कहते हैं कि आ चुका और आ चुका है, आदमी सुबह को मोमिन, शाम को काफिर। वाकया हमारे सामने, हालात हमारे सामने हैं, दुनिया भर में हालात हमारे सामने हैं। खुद हमें हमारे मुल्क के अंदर कुफ्र शिर्क की दावत दी जा रही है, चारों तरफ से जिस उम्मत को कुफ्र शिर्क की दावत दी जा रही है, योगा के नाम से और सूर्य नमस्कार के नाम से, सरस्वती देवी के नाम से, गीता को कोर्स में दाखिल करने के नाम से, घर वापसी के नाम से और मरूम ने क्या क्या जीने हैं, दुनिया भर में जिस कौम को कुफ्र शिर्क की दावत दी जा रही हो, अगर वो कौम अब भी गफलत में रहेगी तो मेरे भाइयों ईमान का क्या हाल होगा। लिहाजा मेरे भाइयों, ईमान की हिफाजत के लिए हमें एक एक कदम को फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है। छोटे गुनाहों से भी अपने आप को बचाएं, बड़े गुनाहों से भी अपने आप को बचाएं। मैं अपने नौजवान भाइयों से खास तौर पर दरख्वास्त करूंगा, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और इस जमाने के जो फितने हैं वो टेक्नोलॉजी के रास्ते से आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के रास्ते से ये फितने आ रहे हैं। मेरे भाइयों, आज कुरान मजीद की तिलावत की जगह ले ली है किसने ले ली है, कुरान ये तिलावत की जगह ले ली है न्यूज ने ले ली है, मैगजीन ने ले ली है, उल्टे सीधे मैसेजों ने ले ली है। मेरे भाइयों, कुरान मजीद की तिलावत का हमारे पास वक्त है नहीं, उसी कौम के पास घंटों न्यूज पेपर पढ़ने के लिए, समाचार पढ़ने के लिए वक्त है, टीवी के लिए वक्त है, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत के लिए वक्त नहीं। मेरे भाइयों, कुरान मजीद कुछ मामूली चीज है, हजरत मलाइका फरिश्तों को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद पढ़ने की सलाहियत नहीं दी, कुरान मजीद पढ़ने की सलाहियत हम इंसानों को दी, फकत हजरत जिब्रील को अल्लाह पाक ने सलाहियत दी, बाकी कोई फरिश्ता कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकता। वो तिलावत को सुनते जरूर हैं, जब कोई कारी जब कोई काली कुरान मजीद की तिलावत करता है तो फरिश्ते वहाँ पर जमा हो जाते हैं, जब कथा हो जाता है। मेरे भाइयों, आज का नौजवान उसको तिलावत का वक्त उसने दे दिया है न्यूज को, टीवी को, फलां को, और नमाज का वक्त हमारा
द्वारा ले लिया है, नेट ने, फेसबुक ने, फुला आला बलाओं ने ले लिया है। मेरे भाइयों, जब बाप के पास फुर्सत नहीं होगी, बाप नेट में टेक्नोलॉजी में घंटों उलझा रहेगा, तो वो अपनी औलाद को तौहीद की तवक्कुल की कैसे तालीम देगा। मेरे भाइयों, हमें सबसे पहले नंबर पर अपने आप की ईमान की हिफाजत करने की बहुत जरूरत है। ईमान दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती दौलत है, सबसे ज्यादा कीमती दौलत। ईमान का कोई बदल नहीं, दुनिया भर की सारी चीजों का बदल आपको मिल सकता है, लेकिन ईमान का बदल नहीं। नमाज आपकी छूटी है, आप कजा नमाज कर सकते हैं। रोजा छूटा है, आप फिदिया दे सकते हैं। हज आपका रह गया है, आप हज्जे बदल करवा सकते हैं। लेकिन ईमान अगर है तो है, नहीं है तो फिर खुदा। तो मेरे भाइयों, ईमान मेरा मुझे काम आएगा, किसी दूसरे का ईमान मेरे काम नहीं आएगा। जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम सिफारिश फरमाएंगे, लेकिन बुनियाद है ईमान। ईमान है तो फिर आप सिफारिश फरमाएंगे। मेरे पास मेरी आंख होगी तो मैं किसी का चश्मा लेकर अपना काम चला सकता हूँ। आंख तो मेरी चाहिए, आंख मैं किसी की नहीं ले सकता, चश्मा किसी का ले सकता हूँ। तो सिफारिश नबी की हो सकती है, हाफिज की हो सकती है, नेक आमाल की हो सकती है, लेकिन बुनियादी चीज है ईमान। ईमान जरूरी है। अगर बाप के पास ईमान नहीं है और बेटा बाप की मौत के बाद करोड़ों रुपए अगर खर्च करना चाहे, सदका करना चाहे, बाप के ईमान के बदल में देना चाहे, तो नहीं कबूल किया जाए। ईमान ईमान है, ईमान का कोई बदल नहीं है। लिहाजा मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा एहतियात के साथ, अब इस वक्त जमाना बहुत, हम बहुत नाजुक वक्त से गुजर रहे हैं, अपने ईमान की हिफाजत के लिए मेरे भाइयों हमें हर तरह से मेहनत करने की जरूरत है, हर तरह से मेहनत करने की जरूरत है। अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाकर, मदरसों में जाकर, अपनी औलाद को मदरसों में भेजकर, घरों में तालीम को जिंदा करके, बयानों में शिरकत करके, प्रोग्रामों में शिरकत करके, अल्लाह वालों की सोबत में हाजिरी देकर, जो जो तरीके ईमान की हिफाजत के हो सकते हैं सारे तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे। सबसे मजबूत तरीका ईमान की हिफाजत का मस्जिदों से अपना ताल्लुक मजबूत करो, मस्जिदों से अपना ताल्लुक मजबूत करो, ये ईमान की हिफाजत का सबसे अहम रास्ता है। मेरे भाइयों, फर्ज नमाज गई तो गई मानूंगा। मेरे भाइयों, अल्लामा शारानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि एक आदमी अर्शे इलाही का पाया थामे हुए हो और अल्लाह का मुनादी अजान दे और हय्या लस्सलाह कहे, तो क्या कहना, क्या करना चाहिए? अर्शे इलाही, अल्लाह की कुर्सी, अल्लाह का अर्श, उसके पाए को पकड़े हुए हैं, दूसरी तरफ हय्या लस्सलाह यानी मस्जिद की अजान हो रही है, तो क्या करना चाहिए? अल्लामा शारानी ने फरमाया, अर्शे इलाही को छोड़कर उसको मस्जिद जाना चाहिए, उसको मस्जिद में जाना चाहिए। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के अवामीर, ये अल्लाह की शरीयत। बस खुलासा ये है कि रमजान जो आया था ये फकत 30 दिन के लिए नहीं, रमजान तो आता रहेगा, आइंदा सालों में भी इंशाअल्लाह आता रहेगा, बल्कि बड़ी शान बात के साथ आएगा इंशाअल्लाह। आइंदा साल हमारी नई मस्जिद होगी तो उस वक्त नई शान होगी, नई आन होगी। लेकिन मसला है कि मैं और आप होंगे या नहीं, और मैं और आप हुए तो फिर हम किस हालत में होंगे हमें मालूम नहीं। लिहाजा हम अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त समझे कि मालूम नहीं कि शायद जिंदगी का मेरा आखिरी वक्त हो, ये मेरा आखिरी दिन हो, मेरा शायद आखिरी रमजान हो। लिहाजा एक एक लम्हा, एक एक कदम हमें बहुत घूम घूम कर रखने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला रमजान मुबारक का ये तक़वा साल भर तक के लिए हमारी जिंदगियों में महफूज करवा दे, और ये तक़वा जो हमें मिला है अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी मस्जिद की तामीर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन हज़रात ने जिन तरीक़ों से मदद की है, यहाँ रहकर, यहाँ से काम करके, या दुआओं के जरिए मोहब्बत भरी नज़रों से देख कर, किसी ने रात की तारीखी में एक कील वहाँ पर रखी होगी, एक लकड़ा वहाँ पर रखा होगा, किसी को पता नहीं होगा, जिन्होंने जिस तरीके से भी अपनी खारी कमाई में से किसी ने एक रुपया दिया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से लोगों ने, भाइयों ने, बहनों ने हमारी मस्जिद के लिए मदद फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम की अजर व सवाब को कबूल फरमाए, सबका शुक्रिया अदा किया जा रहा है। जज़ाकुमुल्लाहु तआला खैरा।